अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहली बात यह है कि हम कोहाट एडवेंचर क्लब की तरफ से इधर हम आए विज़िट के लिए, और जो आप हमारे पीछे एक पीक देख रहे हो इसको कपल वी पीक कहते हैं, और ये जो ग्लेशियर है आप देख रहे हैं, ये हमारे पीछे ग्लेशियर है कि ये फीमेल ग्लेशियर है। मेल ग्लेशियर और फीमेल ग्लेशियर, ये लोग इसका पहचान इस तरह करते हैं कि इसके ऊपर जो गर्द गुबार पड़े हैं, मट्टी पड़ती है, उसको फीमेल ग्लेशियर कहते हैं, और जिस पे जो है ना कोई मट्टी शट्टी नहीं होती और बिल्कुल साफ बर्फ़ होता है, साफ ग्लेशियर होता है, उसको जो है ना ये मेल तस्वर करते हैं कि ये चादर ओढ़ी है। फीमेल ऐसी ही चादर ओढ़ती है, और यहाँ पर भी जो है ना फीमेल चादर ओढ़ी हुई है, और इसके ऊपर जो है ना पर्दा आया हुआ है, और ज़बरदस्त। सबसे अहम बात जो इसका जो वो है खसूसियत है, ये मूविंग वो है। एक बात यह है कि ये मूविंग है, ये हर दिन 5-6 इंच जो है ना मूव करती है और नीचे तक जाती है। और सबसे ये भी खसूसियत है, उसकी दूसरी खसूसियत ये है कि जहाँ भी आप जाते हैं ग्लेशियर देखते हैं, और उसके इर्द गिर्द जो आबादी होती है वो आबादी जो है ना वो नीचे होती है और ग्लेशियर जो है ना ऊपर होता है। ये ग्लेशियर दुनिया का वाहिद ग्लेशियर है कि यहाँ पर जो ग्लेशियर है उसका ये खसूसियत है कि ये नीचे है और आबादी जो है ना ऊपर है। ये ऊपर वैली जो है ऊपर है, और ये ग्लेशियर जो है ये नीचे है। यहाँ के ये डिस्ट्रिक्ट नगर है, और डिस्ट्रिक्ट नगर में ये जो है ना खूबसूरत जगह जो है ऊपर है, और ये इनके जो लोग हैं बहुत जो है ना मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत हेल्प करने वाले हैं, और जिस जगह भी आप जाओगे तो पुरअमन है, कोई वो जो है ना टेंशन नहीं है। जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ कैंप करेंगे, ये लोग आपके साथ मदद करेंगे, और ये जो है ना जो टूरिस्ट हैं उसका बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, और हेल्प भी करते हैं, और जो मुमकिन हो ये लोग करते हैं। तो हम इधर आके बहुत खुश हुए। हमारा इरादा यहाँ ठहरने का नहीं था, रात जो है ना हमने और जगह करनी थी, लेकिन ये इनके जो इखलाक थे और इनका जो मोहब्बत था वो जो उसने हमें इधर खींच लिया, अब जो है ना मजबूर हो गए यहाँ पर रात करने के लिए, वरना हमारा कोई इरादा नहीं था इधर रात करने का। कैसा लगा आपका जो एक्सपीरियंस? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल यहाँ ठहरने का इरादा बिल्कुल नहीं था जी। तो मैं नहीं थे, सही है, ठहरने का इरादा यहाँ बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब यहाँ आके देखा, यहाँ का माहौल देखा, खूबसूरती देखी, माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल, तो बिल्कुल हम मसहूर होके रह गए, हम यहाँ ठहर गए, यहाँ से हम नहीं जा सकते। तो अभी कुछ आपके सामने जो मैंने कहना था वो डॉक्टर साहब ने कह दिया, मेरे पास कुछ बाकी नहीं है कहने के लिए, तो अब तक के लिए इतने ही काफ़ी है। चलते हैं नेक्स्ट जगह। नेक्स्ट जगह।